डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, आरक्षण के जनक मान्यवर साहू जी महाराज और 21वीं सदी के राजनीति के प्रणेता मान्यवर साहब कांतीराम को नमन करते हुए आप सभी को सर्वप्रथम बहुत बहुत साधुवाद। जो पिछले 21 तारीख से हम लोग जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, आज हमारा 6 दिन हो गया है। हमारी बड़ी बहन कौशल पवार जी, डॉक्टर रंजीत यादव जी, हंसराज सुमन जी, बड़े भाई एस के सागर जी और प्रोफेसर धनीराम जी, ये बहुत बहुत साधुवाद इनके लिए। आप लोग देख रहे हैं यूनिवर्सिटी का बाजारीकरण करने के ऊपर ये सरकार तुली हुई है। ये सरकार इस दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम बदल के थोड़े दिनों में जो है ये रिलायंस यूनिवर्सिटी रखेगी। जैसे हीरो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमारा जो मेट्रो स्टेशन है उसका हीरो हांडा मेट्रो स्टेशन हो गया जो है, ऐसे ही इस दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम रिलायंस यूनिवर्सिटी रख सकती है। ये जो है कभी भी रख सकती है, पता नहीं है जो है। क्यों? क्योंकि वो संसद के अंदर अकेला बैठा वन मैन शो है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बैठा हमारा नेता जो है वो भी वन मैन शो है जो है। बात टीचर्स की हो, स्टूडेंट्स की हो, चाहे नोटिसिंग स्टाफ की हो, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में चारों तरफ मारामारी है। छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, शिक्षकों को उसका राइट नहीं मिलता है, नोटिसिंग स्टाफ को उसका हक नहीं मिलता है और ऊपर से जो अभी जो ये फरमान आया है एनडीए सरकार का एससी एसटी एक्ट में जो है इन्होंने ये साइलेंट नहीं किया, ये खत्म किया है। और ये एससी एसटी एक्ट इनके 2019 में इनके मुंह पे तपाचा मारेगा और इसको नीचे गिरा देगा नरेंद्र मोदी को जो है। ये बात करते हैं बेटी बचाओ की, इन्होंने 4 साल पहले नारा दिया था कि बेटी बचाओ, उसका मतलब क्या था कि जब बेटी स्कूल में जाती है तो उसके साथ बलात्कार करोगे, तुम बचाओ इस बेटी को। अगर वो बेटी गलती से कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए आ जाती है कौशल बहन जैसी, तो वो उसको भूखी मार देते हैं 6-6, 7-7 दिन जो है। इनका टारगेट है बेटी बचाने का, मतलब ये है। और नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं पूरे देश में, मैं चाय बनाने वाले का बेटा था, मैं चाय बनाता हूं, मैं आप मुझसे सीनियर साथी हैं, बहुत शिक्षाविद हैं, मैं आप लोगों से एक नमन निवेदन करके पूछता हूं, चाय बनाने वाले को एजुकेशन के बारे में जानकारी नहीं होती, चाहे वो लंदन का हो चाहे वो भारत का हो जो है। अगर बंदर के हाथ में बंदूक दोगे तो वो शिक्षक को ही मारेगा, किसी और को नहीं मारेगा, और आज ये हो रहा है। आप डीएचयू में देख लो जिस तरीके से हमारी बेटियों के ऊपर बेटी बचाने का काम किया, शरेआम लाठी चार्ज किया, कई बहनों की वहां पर टांगे टूटी और सिर फूट के लहू लुहान हो गई। आज जेएनयू में देख लो प्रोफेसर साहब ने जो गोल्ड मेडल दिया है, आज वो सारे जो जितने भी जो लोग हैं एनडीए के लोग उसको बचाने पे तुले हुए हैं कि बेटी के साथ भले ही बलात्कार हो जाए, बेटी के साथ चाहे कुछ भी हो, चाहे उसकी शिक्षा खत्म हो, चारों तरफ हर जगह यही हो रहा है। हरियाणा में जैसे निर्भया का जो केस हुआ था, अभी हम लोग उसी पे काम कर रहे थे, कुरुक्षेत्र की है हमारी बेटी थी नेहा देवी, उसके साथ निर्भया से जो बदतर हालत में बलात्कार हुआ, उसके पेट के अंदर जो है बियर की टूटी हुई बोतल मिली, ये डॉक्टरों ने रोहतक के डॉक्टरों ने बताया। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा, जो शख्स दाढ़ी वाला जनेऊधारी बाबा जो है वो कहता कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के मंच के मार्फत हम लोग पूछते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को सबको जो है समानता का अधिकार दिया था, और जिस संविधान की ये लोग बात करते हैं, खाली बात करते हैं, लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे कुरुक्षेत्र हो चाहे बीएचयू हो, लेकिन मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, वो मनुस्मृति जिसमें ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सब तारण के अधिकारी। हमारे 85% संख्या
वो कोई शिक्षा के लिए लड़ रही है, कोई रोजगार के लिए लड़ रही है, कोई आत्म सम्मान के लिए लड़ रही है। और हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारी मातृशक्ति है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था किसी भी समाज की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समाज में महिलाओं की कितनी भागीदारी, कितनी संख्या, दोनों को जो बराबर का हक मिला है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ये एनडीए की सरकार, ये भाजपा, ये बेटी बचाओ की बात करती है, जो खुद किसी की बेटी को नहीं बचा सका, वो किसी की बेटी को छोड़ के भाग गया, वो हमारी बेटी को कैसे बचा लेगा? क्यों? ये खाली जुमलेबाजी है। अमित शाह ने कहा था इनका जो गेंडा है ना, सरकारी गेंडा, जिसको दाढ़ी वाला गेंडा भी बोलते हैं हम लोग, जो है वो गेंडा बोलता है, नरेंद्र मोदी जो बात करता है आप उसकी बात को मत मानना, क्योंकि वो खाली जुमलेबाजी करता है। ये भारत का जुमलेबाज प्रधानमंत्री बेटी बचाने की बात करता है, आप पूरे देश में जाके देख लिए, किसी भी स्टेट में देखिए, हर जगह से चारों तरफ बलात्कारों की बात सामने आ रही है, चाहे आठवीं क्लास की बेटी हो, चाहे वो ग्रेजुएशन की हो, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड की बेटी क्यों ना हो। तो बेटी बचाने का कौन सा फार्मूला ये जो है? यूनिवर्सिटी में आप आगे देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में बेटियों को पढ़ने की मनाही है, बिल्कुल क्यों मनाही है? यहाँ के जो जनेऊ धारू जो प्रोफेसर है वो सुपरवाइजर बनते हैं, सुपरवाइजर बनते ही वो बेटी की पहले गोलाइयां देखना देखते हैं, ये लड़की कैसे हमारे साथ जो है ना वो आएगी, कैसे हम लोग जो उसको जो ना पीएचडी करवाएंगे, उसको टर्म्स कंडीशन बताएंगे जो है। ये बेटी बचाने का ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। और आज जरूरत है खाली शिक्षक वर्ग यूनिवर्सिटी में जो है मंच पे ना बैठे। मैं बड़े भाई हंसराज सुमन जी से कहूंगा कि वो कॉल करें, वो स्टूडेंट्स को ले और साथ में नोटिंग स्टाफ को ले जो है। और हम लोग तन से मन से धन से हम लोग टीचर एसोसिएशन के साथ, जो हमारा ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, हम लोग उनके साथ है। और हम लोग तन मन धन से यहाँ पर भी आएंगे और रोड पे भी आएंगे, और जरूरत पड़ी जो हम लोग एमएचआरडी भी जाएंगे, नरेंद्र मोदी के गाल पे जो 2019 में चमाटा मारने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।